नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा अवैध मादक पदार्थ कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के दिशा निर्देशन तथा SDOP मऊगंज नवीन दुबे के मार्गदर्शन एवं नईगढ़ी थाना प्रभारी मिथिलेश यादव के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जयसवाल मोहल्ला कस्बा नईगढ़ी रामपुर शंकरपुर अकौरी जैसे ग्रामों में हमराह पुलिस टीम के साथ अलग अलग जगहों में दबिश देकर कार्यवाही करते हुए 4 अवैध शराब कारोबारियों के जखीरे से 95 लीटर महुआ शराब एवं 10 पाव MD जैसी अवैध शराब जब्त कर कारोबारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। वहीं महुआ शराब कारोबारियों के मैखाने में मिली 4 क्विंटल से अधिक महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही में नईगढ़ी थाना प्रभारी मिथिलेश यादव, उपनिरीक्षक उपेन्द्र नाथ तिवारी, आरक्षक वीरभद्र प्रताप सिंह, आरक्षक प्रदीप यादव, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक शेषमणि रावत आदि का सराहनीय योगदान रहा। अवैध शराब कस्बा ब्राह्मण देहात में पासी वाहन से देखना गरम होगा फिर भी है। अरे यार पूरा गोली धुल गए। पानी नहीं। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ नईगढ़ी थाने में बड़ी कार्रवाई हुई है, इस विषय में कहां क्या कैसे हुआ ये जानकारी चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो निर्देश दिया था उसके अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल SP मऊगंज, SGP सर के मार्गदर्शन में मेरी पूरी टीम के साथ कार्रवाई मैंने किया है और जाकर के हमने दबिश दिया है जगह जगह पर, शंकरपुर रामपुर अकौरी थाना चौकी क्षेत्र और थाना क्षेत्र में जयसवाल मोहल्ला, यहाँ सभी जगह हम लोगों ने दबिश जब दिया है तो करीबन 4 क्विंटल जो लहान होता है उसे नष्ट किया गया है और 95 लीटर के समथिंग जो है कच्ची महुआ शराब को पकड़ा गया है। इस तरह की कार्रवाइयाँ अनवरत अब हमारे थाना क्षेत्र में जारी रहेंगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं सब इंस्पेक्टर मिथिलेश यादव, थाना प्रभारी नईगढ़ी।